हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। चलो भाई सर बताओ। अच्छा, क्या चल रहा था अपना? सर पिछले डीपीपी में डाउट है। हाँ सर, बोलो बोलो बोलो, बताओ। क्वेश्चन नंबर 89 है? 83 82 सर। चलो 82 देखो। पहले डिटरमाइन द स्पीड ऑफ विथ विच स्पीड विथ विच ब्लॉक बी राइजेस। 82 नहीं आया? आ गया सर। यार ब्रेक लगानी थी। टेंशन ट्रिक लगाओ, एक मिनट में आ जा, एक ही मिनट में आ जाएगा। देखो यहाँ रस्सी को पकड़े हुए हैं ए से और खींच रहे हैं। कितना टेंशन लगा रहे? टी, मतलब ये लग रही है टेंशन टी। समझ गए ना? इस पॉइंट पे पुली पे नीचे लग रही है। इस पॉइंट पे कहाँ लग रही है? इमेजिन कर लो कि यहाँ एक ब्लॉक है। क्यों कर ले इमेजिन? और जो हम ब्लॉक है उसका उसकी वेलोसिटी है कितनी नीचे? 2 मीटर पर सेकंड। ब्लॉक पे टेंशन कहाँ होगी? ऊपर। अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई तुमसे, है ना? यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ सर। चलो ये बी हो गया, ये ऊपर गई सर। उधर आ रहे खुली है। अरे चलो ये ऊपर गए और यहां से ये गए। देखो यहां पे ये पुली है, अब ऐसी बना दे रहे, ठीक है सर। वो दूसरी वाली ऊपर से, दूसरी वाले से कनेक्टेड नहीं है सर, वो अलग है। वो वहां पे ऊपर वाली पुली दूसरे वाले से कनेक्टेड नहीं है सर। वो नीचे वाली ऊपर दीवार को लग, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा। चलो अच्छा, हम अब बना देते हैं। सॉरी, मुझसे गलती हो गई थी। ये आई, ये पुली, ये यहाँ पे ब्लॉक मान लिया, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। फिर देखो यहाँ, यहाँ से आए सीधे ऐसे और यहाँ से आए ऐसे और सही है ना? हाँ। फिर यहाँ पे है ये जुड़ी है पुली और फिर यहां से गए ऊपर सीधे इधर, ठीक है। चलो ये इसका नाम ये सी है, ये क्या है, डी है और ये यहां से ये ब्लॉक बी है और ये पुली का नाम है ई। चलो भाई आप बनाए, सॉल्व करें इसको। हाँ देखो, टेंशन बनाना स्टार्ट करो तो टेंशन यहां से बना देते हैं। चलो ये टी, ये टी, अब यही रस्सी चली आ रही सीधी, ये वाली टी टी, देखो ना एक ही रस्सी है भैया ये। हाँ एक ही है, एक ही है। तो ये टी और ये टी, क्लियर? अब देखो यहां से ये देखो दूसरी है रस्सी, तो यहाँ पे ये टूटी, फिर यहाँ रस्सी है वो टूटी और यहाँ वही रस्सी है तो ये टूटी। अब देखो टी टूटी टी कितनी हो गई? 4T। ये नीचे 4T और यहाँ ऊपर ये 4T। बेटा समझ गए सब लोग? समझ। वी की वेलोसिटी पूछ रहा है ना। चलो मान लेते हैं नीचे है, कितनी वी ही मान लो, वी बीवी मान लो और इसकी कितनी है बीए। चलो भाई ठीक है, आप करें टेंशन ट्रिक। तो बोलो इसमें टी इंटू कितना? 2। अरे टेंशन इंटू वेलोसिटी, देखो उल्टे हैं, टी ऊपर है और वेलोसिटी नीचे, तो माइनस आएगा। माइनस टी ऐसे, इसमें देखो ये भी माइनस आएगा, माइनस 4T माइनस 4T इंटू बीवी बराबर 0।
तो वी वी बराबर, देखो ये टी से टी गया, वी वी बराबर क्या हो गया, माइनस वन बाई टू ना। हाँ तो वी वी बराबर माइनस पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड, माइनस प्लस माइनस है इसीलिए वो ऊपर होगा माइनस, इसलिए माइनस है। इसका मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन मानी है वो गलत है, मतलब ऊपर जाएगा। वी वी बराबर, अब मैं लिख देता हूँ, वी वी बराबर 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं अपवर्ड्स। सब लोग समझ गए कि नहीं? समझ गए। चलो और बोलो कौन सा डाउट है। 83 85 80, सब बता रहे हैं आराम से देखो सब। 83, a spring of force constant such the length of the other piece will have a force constant. देखो ये ब्लॉक है और यहाँ पे हमने इसको जोड़ा है और यहाँ पुली जोड़ दी है, ठीक। देखना पुली कैसे जुड़ी है, ये जुड़ी है, ये पता है ये चीज क्या है, कोई रिजिड वो होगा, ठीक है, हिंज क्या है उसको, हिंज है, इसको हिंज बोलते हैं, ठीक। हाँ भाई देखो आप क्या कह रहे हो, इसको रस्सी को ऐसे लेके आए और यहाँ ठीक है एफ फोर्स लगा दिया। ये ब्लॉक इसका मास है एम, नाम है इसका वन और इस ब्लॉक का नाम है टू, मास भी इसका एम है, ये वन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इन द सिचुएशन पुली एंड लाइट एफ बराबर एम जी बाई टू, एफ की वैल्यू है एम जी बाई टू, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टू। देखो बेटा क्या कह रहा है, टू का एक्सेलरेशन बताओ। पहले सबसे पहले क्या करें, फोर्स लगाएं सारे जितने भी लग सकते हैं, ना। तो ये दिख रहा है, देखो एफ लग रहा है, एफ मतलब एक्चुअली में क्या ये टेंशन है, बिल्कुल टेंशन ही है ये, तो रस्सी लाइट है सब मासलेस है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, इतना ही लगेगा, इतना ही टेंशन, चलो एफ बोल देते हैं, ठीक है। ये भी क्या होगा बेटा, एफ एफ। अच्छा नीचे देखो इसमें एम जी लगेगा, एम जी लगेगा, एम जी। अच्छा अब एक बात बताओ, अब देखो हमेशा ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, एक्चुअली मैं एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनबिल्ट, क्या इनबिल्ट, इनबिल्ट। तो पता है आपको ये पुली जो है ना वो इस, अच्छा पुली का मास बताओ क्या है, जीरो है, और इसका मास क्या है एम। अब आप देख हिंज मतलब रिजिड कोई बॉडी है उससे ये कनेक्टेड है पुली इस टू से, तो पुली इज इनबिल्ट विथ टू, पुली इज इनबिल्ट विथ टू। जब भी एफबीडी बनाएंगे, सुनो हम जब भी एफबीडी बनाएंगे तो पता है आप ब्लॉक के साथ जो भी चीजें इनबिल्ट होती हैं उनका एक साथ बनाया जाता है एफबीडी, ठीक। मतलब वो हमेशा एक सिस्टम लेंगे, सिस्टम में लेंगे, क्योंकि देखो मास एम है और इस पुली का मास जीरो है और ये इसके साथ रिजिडली कनेक्टेड है, तो आपको इसमें मास तो है नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ब्लॉक और पुली एक पूरा सिस्टम ही होता है जिसका मास वही होता है जो ब्लॉक का होता है। मैं मींस आई वांट टू से एक्चुअली कि ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्चुअली एक्टिंग ऑन पुली कैन बी अज्यूम टू बी एक्टिंग ऑन ब्लॉक टू। तो चलो ब्लॉक टू के बारे में मैं पहले बात करूंगा क्योंकि उससे आपको कुछ बातें फील होंगी। तो चलो नॉर्मल भी लगेगा ब्लॉक टू से ब्लॉक वन पर, नॉर्मल। हाँ अभी इसीलिए मैं पहले टू का एफबीडी बना रहा हूँ, देखते हैं। तो टू का एफबीडी अगर मैं यहाँ बनाऊं, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है और बार बार आएगी अच्छे क्वेश्चंस में, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अभी देख लो एक बार। ये स्मॉल एम हो गया ब्लॉक और पुली भी हमारी ये हो गई क्योंकि पुली विल बी अज्यूम्ड एज अ सिस्टम, ये हो गया। अब देखो पुली पे यहाँ पे एक लग रहा है एफ और यहां देखो क्या एक लग रहा है एफ, नीचे से देखो यहाँ ग्राउंड लगाएगा नॉर्मल एन वन बोलूंगा मैं इसको, ठीक है, और इसका नीचे लगेगा क्या एम जी, एम जी। एनी अदर फोर्स,
देखते हैं नॉर्मल डिसाइड करना है अभी। चलो देखते हैं, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में बताओ, हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल क्या इसका कोई अपोज करने वाला है? नहीं तो नहीं दिख रहा मुझे, मतलब कि इट मींस दिस ब्लॉक विल 100% मूव अलोंग दिस। इसको ए टू बोलूंगा, टू है ना ये ब्लॉक, और इसका नॉर्मल को भी एन टू बोलूंगा, समझ गए? अब देखो तो इसका मतलब अगर ये ब्लॉक यहां जा रहा है तो सोचो, सोचो ध्यान से सोचो, ये वाला ब्लॉक यहां जा रहा है तो क्या ये स्मॉल एम भी उसी एक्सेलेरेशन से नहीं जाएगा इसके साथ? यही तो वेज कंस्ट्रेंट था भैया। देखो सुनो, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये क्या है? कॉन्टेक्ट सरफेस है कि नहीं है? है। तो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ये हुआ क्या? इस डायरेक्शन में क्या होता है? दोनों का एक्सेलेरेशन सेम सेम, तो जितना एक्सेलेरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलेरेशन इसके पास भी होगा, मतलब कि इसके पास ए टू है। अच्छा ए टू है तो ये आगे भागेगा, ये आगे भागेगा तो ये स्मॉल एम जो है इस पे ऐसे नॉर्मल लगाएगा ऐसे एन वन, तो फिर ये वाला भी स्मॉल एम पे लगाएगा, समझे कि नहीं? अब मैं बात करूंगा स्मॉल एम मतलब वन की, ये वन वाले पे। तो वन पे देखो यहां से एक नॉर्मल लगेगा, कौन सा वाला? एन वन। तो फिर इसके पास, अच्छा ये कंस्ट्रेंट देखें तो जितना एक्सेलेरेशन इसका होगा उतना इसका भी होगा, मतलब एन ये वन के पास इस तरफ पता है ए टू होगा, समझे? अच्छा नीचे देखो क्या लग रहा है, एम जी वो तो ऊपर एम जी माइनस है, एम जी लग रहा है ये, और देखो ऊपर ये लग रहा है एफ, लग रहा है ना? अच्छा एक्सेलेरेशन देखो ये ए टू है जो इसके बराबर है, और एक नीचे नहीं होगा इसमें? अरे ये वाला ब्लॉक नीचे भी तो फिसलेगा, नीचे नहीं जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि एमजी देखो, क्योंकि इसके जो एफ है ना देखो कितना है, एमजी बाई टू है, और नीचे देखो क्या लग रहा है, एमजी, तो ये नीचे जाएगा, समझ में आएगा? चलो अगर ये एमजी से ज्यादा हो जाता तो ये ऊपर भी चला जाता, साथ में ये इस तरफ भी एक्सेलेरेशन होता ए टू। तो देखो पहले मैं अलग से डब्बा में बंद कर दूं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। देखो ये हो गया एफडीडी किसका, वन का, और देखो बेटा ये हो गया हमारा पूरा टू का, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां मैंने आपको वेज कंस्ट्रेंट बताया है, ठीक सर? वो जो M1 पे नॉर्मल लग रहा है वो तभी लगेगा ना जब वो MG by 2 और MG का जो रिजल्टेंट होगा वो M को मूव कराएगा वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल में, उनका क्या उसके अंदर नहीं? अरे जब ये मूव करेगा ये वाला, हाँ तो वही ना, मतलब वो जब मूव करेगा तभी नॉर्मल अप्लाई होगा ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब ये वाला आगे भागेगा तभी इस पे नॉर्मल लगेगा। अभी और जितने भी अभी तो मैं और चीजें फील होंगी, अभी ये वाला समझ में आ गया कि नहीं? हाँ समझ गया। चलो आप जल्दी से सॉल्व कर दो इसको, बताओ भाई इसकी इक्वेशंस बोलो। चलो इस टू की इक्वेशन बोलो, एफ सुनो पहले, टू की वर्टिकल में इक्वेशन बनाने की जरूरत है क्या? नहीं, क्यों क्यों फायदा नहीं होगा? नहीं रहा वो वर्टिकल ऊपर तो क्या हो गया इक्वेशन? तो यार सर उसमें खाली पीली एन टू इंट्रोड्यूस हो रहा है। यस बस यही बोलना था, ये मुझे सुनना था, ये लाइन मुझे सुननी थी, ये स्टेटमेंट सुनना था कि एन टू फालतू में इंट्रोड्यूस होगा, समझे ना? क्योंकि ये भी जरूरी है कि हम कहाँ इक्वेशन बनाए कहाँ ना बनाए, ये भी हमें फील होना चाहिए हर चीज। तुम इस समय बनाओगे भी ना तो एन टू फालतू में आ जाएगा, ठीक? चलो भाई हॉरिजॉन्टल में बनाए, बोलो इक्वेशन इसकी, F माइनस एन वन इज इक्वल टू एम ए टू, F माइनस एन वन इज इक्वल टू स्मॉल एम ए टू, चलो इसकी बनाओ, इसकी स्मॉल एम टू वन की, तो वन की दोनों साइड बनानी पड़ेगी, दोनों साइड की वर्टिकल में बनाओगे अगर तो एम जी माइनस एफ बराबर एम एम ए वन ए वन। अब एफ को डाल देना तो सीधा यहीं पे देखो ए वन आ गया जी बाई टू,
अब वो तुम निकालना, सॉल्व तुम करना, मैं नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनो, बनाओ इसकी। तो इसका एन बराबर एन वन बराबर एम इंटू एन वन बराबर सीधा आ गया क्या एम ए टू ए टू। ये थर्ड इक्वेशन देखो, समझ गए। देखो इससे क्या निकलेगा, सेकंड से ए वन को यहाँ डाल देना। देखो इस एन वन को यहाँ डाल देना, आ गया यहाँ पे, और एफ को डाल देना तो ए टू आ जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। चलो भाई आगे बढ़ाएं। सर हम डायरेक्ट एम प्लस पुली को सिस्टम लेंगे तो एक ही हॉरिजॉन्टल का फोर्स रहेगा। सिर्फ हॉरिजॉन्टल में सिस्टम मान, फिर टू ए में लग जाएगा। वन और टू पूरे को एक सिस्टम ले लो तो पता है तुम्हें, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में एक सिस्टम मान सकते हो आप, इनको वर्टिकल में एक सिस्टम नहीं मान सकते हो। नहीं, क्योंकि वो वर्टिकल में अलग अलग, समझे कि नहीं? यस सर। हाँ समझ गए। चलो अगला बोलो, क्वेश्चन कौन सा है? नहीं, और किसी को पूछना होगा, बोलो बेटा जल्दी से। 88 हम बताएंगे अभी, अभी 88 का टाइम नहीं है। और बताओ। ओके सर, मैं बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। 89 पूछना है क्या किसी को? नहीं। 90 कर लिया सर। 86 बताओ भैया। 86 नहीं आया यार, ये तो आश्चर्य। सर 15 चाहिए ना वो क्या? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये आश्चर्य की बात हो रही है मेरे लिए। ये तो इजी है, सीधा एवरेज ट्रिक है भाई, सीधा फॉर्मूला है। इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है वो, कहाँ मान ले बोलो? मान लो यार, चलो नीचे ही मान लो। लो क्या है ये, हर बार उल्टा क्यों मानते हो? फील हो रहा है ना अपवर्ड जाएगा ऐसा। मैं तुम्हें इसलिए गलत मानता हूँ ताकि तुम्हें हर बार ये फील हो जाए कि हम कुछ भी करें ना आंसर सही आएगा। सर वो हो गया फिर। चलो ठीक है, ओके। एक्चुअली मैं पता है, जितने बार भी मैं बताऊंगा ना उतने बार, हर बार में कुछ ना कुछ बच्चे नया सीखेंगे, नए बच्चे सीखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे मिस कर देते हैं, लेक्चर मिस कर देते हैं, कुछ ज्वाइन लेट करते हैं, तो काफी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो मैं तो अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूं कि तुम लोगों की जो गलतियां हैं उसको मैं कैसे भी वो करूं, कुछ भी करके। चलो अच्छा देखते हैं बेटा, क्या रूल है इसका? कितना सिंपल बताया था यार मैंने। ये बीपी होता है, ये वी ए बी बी जो मानना है मान लो। फॉर्मूला सिंपल सा था, वीपी बराबर वी ए प्लस वी बी बाई टू। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं होता है इसमें। एक्सेलेरेशन के लिए भी यही है, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यही है। अब साइन कन्वेंशन गड़बड़ कर दोगे तो सब गलत हो जाएगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस। चलो वीपी ऊपर है तो टेन प्लस कर। हाँ सर आगे, सॉरी, ये ऊपर है, चलो ऊपर ऐसे लिख दिया। और प्लस वी भी बोलो, तो ये माइनस फाइव बाय टू, ये बराबर वी ए। वी ए को कभी भी साइन के साथ मत रखना। यस सर, को जनरल रखना है ऐसा ही बस, ठीक है। तो हाँ। और बोलो क्या है? वी ए माइनस फाइव, माइनस फाइव। तो देखो वी ए बराबर क्या आ गया, 25। पच्चीस पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? पॉजिटिव है ना। हाँ। तो मैंने जो माना है वो सही है, ठीक है। हाँ। तो ये सीधा एक्चुअली में अपवर्ड ही जाएगा। चलो भाई और बोलो कौन सा क्वेश्चन है। 91 जल्दी बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़ाना है मुझे। 91 सर। 90 चलो 91 भी मैं बता देता हूँ। अच्छा किसी को आया क्या 91? यस सर। हाँ, सर आया सर। समझो मैं बताता हूं, ठीक। धीमे धीमे अभी तुम लोग मैकेनिक्स समझोगे, धीमे धीमे।
शब्दों का कहने का मतलब क्या होता है वो समझोगे, जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में भी आप कुछ सीखेंगे, ये हो गया ठीक है बेटा। अच्छा इसका सेंटर देखो यहां लाई करेगा, अब इसको पहले तो ज्योमेट्री फील करो इसकी, कि नॉर्मल जो यहां पे जो रेडियस होगा वो ये होगा, मतलब नॉर्मल यहां ऐसे लगेगा समझे, और यहां ऐसे लगेगा, क्लियर है? यस सर। अपन बात करेंगे किसकी, ऑब्वियसली इसकी बात करेंगे, इसका मास क्या है, स्फीयर है, इसका मास एम है, और कह रहा है कि ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया है। चलो बढ़िया, पढ़ लो क्वेश्चन। गिवन एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, अज्यूमिंग ऑल द सरफेसेस फ्रिक्शनलेस, फाइंड द फोर्स ऑन द स्फीयर बाय इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, ये इंक्लाइंड सरफेस इस पे कितना फोर्स लगाया, मतलब नॉर्मल ना, हाँ। तो यहां से देखो ये नॉर्मल लगेगा, N1 बोलता हूं इसको मैं, ठीक, यहां से ये नॉर्मल लगेगा सेंटर की तरफ, ध्यान रखो नॉर्मल हमेशा कहां लगेगा, सेंटर की तरफ, क्योंकि नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, समझे? यस सर। चलो भाई नीचे क्या लगेगा इसमें, MG. बस अब क्या करना है हमें, कंपोनेंट करना है, नॉर्मल के कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम यहाँ ग्राउंड फ्रेम से देखो इस क्वेश्चन को, पता है मैं एक लाइन में कर सकता हूँ अपने मेथड से, लेकिन अभी नहीं, मैंने अभी अपना वो बताया ही नहीं है तुम्हें, अपना मेथड नहीं मतलब एक्चुअली में सुडो फोर्स है ना, सुडो फोर्स जब हम पढ़ लेंगे, सुडो फोर्स जब हम पढ़ लेंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, फील ही अलग होगा आपको उसका। लेकिन अभी मैं कहीं सुडो फोर्स यूज ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये भी ग्राउंड फ्रेम से पढ़ रहा हूं मैं, अभी कहां से पढ़ रहा हूं, ग्राउंड फ्रेम। अभी हम फ्रेम भी बदल देंगे, हम किसी और के साथ एसोसिएट होके फिर स्टडी करेंगे पूरा, तो वो ज्यादा बेटर लगता है, ज्यादा अच्छा फील होता है उसमें। लेकिन अभी पहले ग्राउंड फ्रेम से ही हर चीज पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद हर चीज सुडो से बताऊंगा। तो चलो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। देखो ग्राउंड पे अपना कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसको देख रहा है, तो ये आई थिंक दुनिया की सबसे सिंपल मोशन है यार ये तो। हाँ सर। ये पर्सन इस स्फीयर के बारे में क्या बोलेगा, वर्टिकल में इसका इक्विलिब्रियम है, इन्होंने पूछा है इन इक्विलिब्रियम इन वर्टिकल, तो क्या करें हम, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है यार, यहीं पे कर दें कि अलग से बनाएं, बोलो यहीं पे कर दो सर। चलो ये देखो बड़े बना दे रहे N1 का, देखो ये जो N1 था ना उसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, मैंने बड़ा बना दिया, बड़ा मत बनाना मतलब होता नहीं है, एक ये देखो ऐसे जाएगा, हाँ। अब देखो ये 30 डिग्री है, ये 30 है, तो फिर ये वाला एंगल 30 होगा, अल्टरनेट एंगल, हाँ। ये 60 होगा तो ये वाला 30 होगा, समझ गए, मतलब कि दिस विल बी N1 cos 30 एंड एंड दिस विल बी N1 sin 30। तो इसकी बात कर रहा हूं मैं स्फीयर की इन y डायरेक्शन, मतलब वर्टिकल में, y नहीं वर्टिकल लिखना चाहिए मुझे, चलो वर्टिकल ठीक है। बोलो जरा बेटा N1 cos 30 बराबर mg, बराबर mg, बताओ N1 आई गया cos 30 by root 3 mg, मतलब roughly 1.50 2 mg by root 3 खत्म, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल में लगा दो तो, और यही तो पूछ रहा था वो, यही सर यही पूछ आंसर आ गया, आंसर ही आ गया। अगर वो N2 पूछे तो क्या करोगे, N2 बराबर m है, ये एक्सेलरेशन है उसका, इसका हॉरिजॉन्टल में लगा दो तो N2 और माइनस N1 sin 30 sin 30 बराबर m n2 m m हो गया खत्म, हां हो गया। अच्छा आप सोचो अगर मैं यहाँ पे बैठ के देखूं, इसी पे बैठ जाऊं मैं, अब तो मैं इसको ये रेस्ट में देखेगा कि नहीं, यस सर यस सर, ये है दूसरा तरीका, तो वो अभी नहीं लेकिन ठीक। चलो ये हो गया खत्म, और बताओ कौन सा है सर, लेकिन वो तो इंक्लाइन प्लेन से लगने वाला फोर्स पूछ रहे थे ना, हाँ वही निकालना फिर, ये कौन सा निकाला, ये N1 किस नॉर्मली तो निकालना था, N1 और बोलो बेटा जल्दी से, हो गया ये 92 93 94 सब क्लियर है, हाँ हाँ। चलो फिर आगे बढ़ाएं,
यस सर। हाँ अच्छा देखो हम लोग क्या सीख रहे थे सर, आपने वो दो क्वेश्चन बाकी है ना, आपने एक पिछले लेक्चर में दिया था और एक तो लेक्चर में थोड़ी दिया था, वो हमने लेक्चर में दिया था एक। अच्छा लेक्चर में दिया था क्या, चलो बोलो कौन सा है। एक मिनट से ग्रुप पे सेंड कर। सर वो पुली वाले वो स्टेटमेंट रहते वो। ट्वेंटी आ रहा है सर इसका। सर ट्वेंटी आता है। ट्वेंटी आ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन नंबर 60 मैं इसका आंसर बता दूं। ट्वेंटी आंसर है। हाँ 20 आ गया। सही 20 है। तो इसको ग्रुप पे सेंड तो तुमने किया नहीं है अभी सॉल्व करके। आपने बोला था। चलो ठीक है भेजा था। नहीं तो नहीं ऐसे नहीं, अच्छे तरीके से सॉल्व करके भेजना बढ़िया डिटेल में। हाँ ठीक है, सभी लोग ग्रुप में सेंड करो, जिसको नहीं आए तो वो इस सॉल्यूशन को जो भेजेंगे ये लोग उसको देखो, और तब भी ना आए तो मैं बताओ तो, या बोलो तो मैं अभी कर दूं। नहीं सर ट्राई करते हैं फिर बाद में बता पूछ लेंगे। कोशिश करो तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ सर कोशिश करेंगे। आगे बढ़ाएं। हाँ चलो आगे बढ़ाते हैं। क्या सीख रहे थे हम लोग, वेज कंस्ट्रेंट सीख रहे थे ना। हाँ सर वेज कंस्ट्रेंट। अब देखो बिल्कुल मैं जो अभी सिखा रहा हूँ एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन क्या थ्योरी है एक एक्चुअली में, बस तुम्हें उस पे 100% फोकस करना है, और वो भी मैं एक तरीके से बता रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम से। इसी को मैं इतना सिंपल कर दूंगा आगे चल के कि आप चुटकियों में बिल्कुल खत्म कर दोगे, ठीक है दो तीन लाइन में बस। लेकिन अभी डिटेल सीखनी है पूरी। तो हम देखो हमारा क्वेश्चन क्या है एक्चुअली में, वेज कंस्ट्रेंट ही है पूरा, सीखते हैं। तो मतलब वेज कंस्ट्रेंट का मतलब याद है ना, वेज कंस्ट्रेंट क्या था। और ये बड़ा कॉमन बड़ा सिंपल सी बात थी, मैंने क्या बताया था देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला था वेज कंस्टेंट का मतलब है कि इनके जो सरफेस कांटेक्ट में हैं, है ना हाँ, हमेशा कांटेक्ट में रहें। अगर ये हमेशा कांटेक्ट में रहना है इनको तो इसकी कंडीशन क्या होगी। इन दोनों सरफेस, सुनना ध्यान से, सरफेस के पैरेलल तो ये चल सकता है ना, लेकिन हाँ। लेकिन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जितना ये स्मॉल एम, जितना स्मॉल एम का एक्सेलेरेशन है, सुनना ध्यान से, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जितना स्मॉल एम का एक्सेलरेशन है। अब कैपिटल एम मान लो ये ग्राउंड है, तो कैपिटल एम का एक्सेलरेशन यहां तो होगा नहीं, यहां होगा ना एक्सेलरेशन तो कैपिटल एम का। इस वेज का एक्सेलरेशन तो यार यहां होगा ना, तो हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा ना। तो इसके इसके एक्सेलरेशन का क्या निकालोगे, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट, ठीक। तो स्मॉल एम का, अब सुनो ध्यान से, स्मॉल एम का भी एक्सेलरेशन यहां नहीं है, स्मॉल एम का भी मुझे नहीं पता कहां होगा, वट एवर जहां भी हो उसका कंपोनेंट मैं करूंगा इस तरफ, और वेज का मुझे दिख रहा है इस तरफ है तो उसका कंपोनेंट इस तरफ, मतलब दोनों के कॉम्पोनेंट कॉन्टेक्ट लॉन्ग कॉन्टेक्ट सरफेस परपेंडिकुलर सेम ही होने चाहिए। अगर सोचो इसका कम हो गया इसका ज्यादा हो गया इस तरफ, तो ये कॉन्टेक्ट लूज नहीं हो जाएगा। यस सर। तो ये वेज कंस्ट्रेंट है। क्या बोलता है वेज कंस्ट्रेंट, अभी आई होप जिनको पहले नहीं समझ में आया होगा वो अब समझ गए होंगे। क्या है कि जो भी बॉडीज कांटेक्ट में हैं, उनके नेट एक्सेलरेशन के कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। सब लोग समझ गए। ये मैं इसके एक दो क्वेश्चंस भी करा चुका हूं लास्ट लेक्चर। चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
why we need this statement, why we need this statement. Without this statement you can't solve the question, आप solve भी नहीं कर सकते, ठीक है? तो देखो अभी अपने आप समझ में आएगा कि क्या problem हो गई. तो theory of wedge constraint हम लोग सीख रहे हैं question के form में. देखिए question क्या है. Question में मैंने माना ये एक वेज है, इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है. यहां पे बेटा एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये वेज और ये ब्लॉक, इसका मास हम मानते हैं कैपिटल एम और इसका मास हम मानते हैं स्मॉल एम. तो वेज का मास कैपिटल एम, ब्लॉक का मास स्मॉल एम, इंक्लिनेशन एंगल कितना है थीटा, इंक्लिनेशन थीटा, और ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ. अभी देखो इसमें फ्रिक्शन भी आएगा आगे. तो ऑल सरफेस आर स्मूथ, फाइंड क्या, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक, ठीक है? अब देखो ये बच्चे पता है इसमें हमेशा परेशान रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ना रहें परेशान, बिल्कुल 100% पे अटेंशन. जितना हम मैं बता रहा हूं उतना समझो बस अभी पहले, उसके बाद हम और सीखें. तो सबसे पहले तो इस पे सारे फोर्सेस लगा लेते हैं. चलो पहले वेज की ही बात कर लेते हैं क्योंकि वेज मुझे आसान दिख रहा है ना. तो चलो भाई ये वेज हो गया अपना. सबसे पहले इसका एम जी, कैपिटल एम, नीचे से एक नॉर्मल नॉर्मल. क्या वेज ब्लॉक जो है वो इस पे ऐसे नॉर्मल लगाएगा? लगाएगा. तो ये लगाया नॉर्मल किसने? ब्लॉक ने. ब्लॉक ने एन एन लगा दिया. क्या हम इस एन के कंपोनेंट्स कर सकते हैं? कर सकते हैं. अब ये सबको ऐसे ही याद होने चाहिए, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा. ये प्रूफ कर चुके हैं 10 बार हम. एक बार और कर दे रहे, ठीक है? देखो ध्यान से, ये थीटा है, इसको नीचे बढ़ाओ तो ये कितना 90. दिस इज थीटा, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा. और इस सरफेस के साथ ये देखो परपेंडिकुलर ही तो होगा नॉर्मल. मोशन ऑफ दिस वेज. यू कैन से वेज कांट गो इन वर्टिकल डायरेक्शन बिकॉज ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन दिस वेज वर्टिकली डाउनवर्ड विल ऑलवेज बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल. तो मैं बोलूंगा वर्टिकल में ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम? अच्छा हॉरिजॉन्टल में इसका क्या बोलोगे आप? एक एक्सेलरेशन होगा कहां, वो भी दिख रहा है इस एन साइन थीटा की. मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन है इसका कैपिटल ए, ठीक कैपिटल ए एक्सेलरेशन है. तो मैं पहली इक्वेशन लिखूंगा एन साइन थीटा बराबर कैपिटल एम कैपिटल ए. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड सो सिंपल इक्वेशन इज दिस. नाउ इन वर्टिकल डायरेक्शन वेरी इजली वी कैन से एन वन इज इक्वल टू एन कॉस थीटा प्लस एम जी प्लस एम जी. सो हियर इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव स्टडीड कंप्लीटली अबाउट वेज. इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं होता वेज के बारे में. हो गया क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. अब देखो स्मॉल एम में बड़ी दिक्कत है यार. स्मॉल एम के बारे में तो मतलब थोड़ा अजीब लग रहा है, कहां जाएगा ये? सोचो ना. अच्छा अगर मैं इस वेज को पकड़ लूं, मान लो मैंने इस वेज को पकड़ लिया तो ये स्मॉल एम यहां जाएगा, नीचे चला जाएगा, है ना? और अगर छोड़ दूं इस वेज को तो देखो वेज पीछे जा रहा है, तो ये भी तो कुछ पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर पीछे भी जाएगा और नीचे भी आएगा. तो इसका एक्सेलरेशन कहीं कहीं होगा नीचे, मुझे पता नहीं है, है ना? हाँ
वो वी कांट एक्चुअली से विजुअलाइज नहीं होगा, तो फिर मैं हाँ विजुअलाइज अभी नहीं हो रहा है, होगा आगे देखो बिल्कुल 100% हो जाएगा, तो मैं ऐसे देख के बता दोगे इसका एक्सेलरेशन सर यहाँ होगा, एंगल बता दोगे सब कुछ, इसका एक्सेलरेशन तो डायरेक्टली डाउन क्या डाउनवर्ड होगा ना, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो फोर्स लगा के वेज को पीछे ढकेल देगा, और वो जो ऐसे हमें दिखेगा वो डाउनवर्ड दिखेगा ना उसका मोशन, रिजल्टेंट डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड क्या होगा जी सर, ठीक लग रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड क्या, उद्देश्य मेरा गलत प्रूफ करना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे हमें सही सोचना है, सब लोग देखेंगे ध्यान से। चलो मैंने ब्लॉक का एफबीडी बनाया, मैंने देखा सारे फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये लग रहा है क्या, इसने वेज का नॉर्मल नॉर्मल, और एक इस पे लगेगा क्या स्मॉल, सही है यस सर, तुम्हें लगता एन के कंपोनेंट्स करो, तो एन का एक कंपोनेंट जाएगा थीटा, देखो यहाँ पे ऐसे बनाया करो, ये थीटा है, इसको नीचे बढ़ाओ तो ये 90 होगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो फिर ये थीटा, फटाफट ज्योमेट्री बनाया करो, ठीक, तो n का एक कंपोनेंट यहाँ गया, एक कंपोनेंट यहाँ गया, ये n sin थीटा और n cos थीटा, अब तो n mg और n cos थीटा का रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो इसकी वजह से इस वेज में ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा, और ये n cos थीटा n sin थीटा क्या करेगा, उसको एक राइट में भागेगा, और उसको हॉरिजॉन्टल में भी करेगा, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, दोनों के बीच के बीच में, बीच में फिर इसका एक्सेलरेशन यहाँ कहीं होगा, डाउनवर्ड्स नहीं होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, समझे कि नहीं, समझ गए सर, तो ये है ए, और वी विल हैव टू फाइंड दिस ए, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया अभी समझो, मैंने इसका फोर्स डायग्राम बनाया और मैंने फोर्स को एक्स और वाई में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया, और मुझे हॉरिजॉन्टल एक्स को मतलब इसके एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट मिला, तो जब तुम्हें नेट पता ना हो तो क्या करते हैं, सारे फोर्सेस को एक्स वाई में रिजॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स में किया वाई में किया ओके, और इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये मिल गया मुझे, ठीक, वो एंगल भी आप पता कर सकते हो क्या होगा, वट एवर, समझे कि नहीं, ओके yes, okay, तो चलो भाई इसकी इक्वेशंस बना देते हैं, बोलो भाई n sin थीटा इक्वल m ax m into a, ये पता है टफ बता रहा हूं मैं, ये टफ है, लेकिन ये टफ करना है, चलो आगे बोलो mg minus n cos थीटा बराबर m ay, थर्ड इक्वेशन, अननोन गिनो, एक दो तीन चार, थर्ड है ये फोर्थ, चार सर, चार है सर, यार अननोन भी गलत गिन रहे तुम, तीन है, तीन है, तीन ए एक्स दो इक्वेशंस में देखा करो, एन ए एक्स ए वाई, बस बड़ा वाला एच है, बड़ा ए, और ये एन वन, N1 की इक्वेशन हाँ लिखी, इक्वेशंस में देखा करो, इक्वेशंस में जाते हैं अननोन, पांच हैं, हाँ पांच, और इक्वेशंस कितनी है, चार, चार, दुनिया की कोई ताकत इसको सॉल्व नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मतलब पता है तुम्हें, यू विल हैव टू यूज नाउ वेज कंस्ट्रेंट, फॉर्म फिफ्थ इक्वेशन, टू मेक फिफ्थ इक्वेशन, आई बात समझ में, और वो वेज कंस्ट्रेंट क्या था, वेज कंस्ट्रेंट था, वेज कंस्ट्रेंट क्या था, ए और ए में रिलेशन, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, तो अब हमें फिफ्थ इक्वेशन बनाने के लिए, एक्चुअली ये बहुत बड़ा टफ प्रोसेस है, मैं देखो अभी इसको यहीं पे सिंपल कर दूंगा और फिर बाद में और सिंपल होगा,
लेकिन हमें तब सीखना है। देखो समझना, यहाँ पे मैं वेज कंस्ट्रेंट बना रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ स्पेशली वेज कंस्ट्रेंट। तो व्हाई वी नीड वेज कंस्ट्रेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। यस सर। तो ये थीटा, ये ब्लॉक यहीं पे बन जाएगा। अभी देखो वेज कंस्ट्रेंट, सबसे पहले इसका एक्सेलेरेशन बताओ, क्या यहाँ था? यहाँ कॉर्नर पे क्यों बनाया? इससे ज्योमेट्री में आसानी हो जाती है। क्या करना है, इस ए का एक कंपोनेंट निकालना है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, है ना? तो ये वाला बताओ कितना होगा? ये थीटा है, देखो ये आराम से मिलेगा। ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब बताओ कौन सा यूज करना है? ये साइन थीटा हमें यूज करना है, ठीक है? चलो ओके, अब इसका देखते हैं। इसका तो बेटा, इसका इसके दो कॉम्पोनेंट्स अपने पास, देखो यहां बनाते हैं, यहां बना दो यहां पे। ए वाई, देखो एक था ए वाई और एक था क्या, एक्स। बताओ अब क्या करना है? देखो यहां पे क्यों बनाया मैंने, क्योंकि ज्योमेट्री में हेल्प मिलेगी। ए वाई का एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा आपको इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ए वाई कॉस थीटा, समझे कि नहीं? और पता है ए एक्स का भी एक कंपोनेंट यहां बनाना पड़ेगा आपको, एक साइन थीटा। देखो अब, और दोनों का ए वाई और ए एक्स का एक एक कंपोनेंट सरफेस के अलोंग आएगा। अब देखो ये थीटा है, तो ये वाला थीटा होगा यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इंटरनेट एंगल, ठीक है? अब ए वाई का ये कंपोनेंट, व्हाट इज दिस? ए वाई कॉस थीटा, ए वाई कॉस थीटा। एंड ए एक्स का ये कंपोनेंट, ए वाई एक्स साइन थीटा। इन दोनों का ये कंपोनेंट, एक्स कॉस थीटा और ए वाई साइन थीटा, ए वाई साइन थीटा एंड ए वाई कॉस थीटा प्लस ए वाई, ए वाई साइन थीटा। अब देखो इस ब्लॉक का वेज के सरफेस के, मतलब कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर में नेट एक्सेलेरेशन बोलो। तो मुझे लगता है इसका देखो वेज का कहां है, ये है ना? तो ब्लॉक का भी यही होगा, इस तरफ ही होगा। तो इसका मतलब ए वाई कॉस थीटा इज ग्रेटर देन मैं लिखूंगा वेज कंस्ट्रेंट। देखो ध्यान से, कैपिटल ए साइन थीटा इसका वेज का ये सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट बराबर ए वाई कॉस ए वाई माइनस ए साइन थीटा। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फिफ्थ। अब तुम इन पांचों इक्वेशंस को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व फाइव इक्वेशंस, टू गेट दूसरी इक्वेशंस की जरूरत भी नहीं उसमें। अब सुनो अब टू गेट क्या क्या ए एन ए एक्स ए वाई कैपिटल ए एन वन एन वन। अब अगर तुमसे हमसे एन पूछा है क्या, एन वन पूछा है क्या? नहीं पूछा, नहीं। तो आप हटा दो एक इक्वेशन, हटा दो ये वाली इक्वेशन। देखो अब यूजलेस इक्वेशन है। Yes, sir. क्यों यूजलेस है कोई बता सकता है? बनाने से ये इक्वेशन तो बनी, ठीक है एक नंबर बढ़ गया इक्वेशन का, लेकिन देखो समझे, ये एन वन हमसे पूछ ही नहीं है, काहे के लिए हम निकाले इसको? कोई तो ये इट इज कॉल्ड यूजलेस इक्वेशन, ठीक? चलो भाई, लेकिन अगर तुम्हें ए एक्स ए वाई और ए चाहिए है तो एन तो चाहिए होगा, तो n तो उसमें बीच में आ ही रहा है ना, तो चार इक्वेशन हमें बनानी पड़े, समझ गए? हाँ, यस सर। चलो भाई, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो। अब तुम अब ये कहो कि हम ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये तो ऐसा तो नहीं बोल, कर लेंगे सर, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना। हाँ। यहां से उठा के यहाँ डालना है, वहां से उठा के यहाँ डालना है, लेकिन ये इट इज सो लेंथी एंड टफ। हाँ वो तो है, है ना? हाँ, तो चलो कुल मिला के व्हाटएवर, आपको समझ में आया? हाँ। अब हम एक काम कर सकते थे, एमजी को रिजॉल्व कर सकते थे। अब हम यहाँ पे दिमाग लगा रहे, क्या लगा रहे? दिमाग। मुझे एक बात पता है,
देखना आप कितना सिंपल है। मुझे एक बात यार पता है, वेज कंस्ट्रेंट से पता है कि इस ब्लॉक का, देखना ध्यान से, मैं इसी को यहीं पे सिंपल कर देता हूं अभी यार। मुझे एक बात पता है क्योंकि अभी मैंने x और y क्या माने हैं, देखो हॉरिजॉन्टल में ये x माना, वर्टिकल में ये y माना है। अब मैं अपना एक्स वाई ही बदल दे रहा हूं, वेज के अलोंग मानेंगे, मैं पैरेलल टू प्लेन और एक ब्लॉक के लिए पैरेलल टू प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन, ऐसा कर लूं। अच्छा अगर मैं बेटा सुनना अदर मेथड, मतलब अदर मेथड में क्या है, अगर मैं वेज कंस्टेंट को पहले ही यूज कर लूं, मैंने अभी वेज कंस्टेंट को बाद में यूज किया है, देखो फिफ्थ इक्वेशन बनाई मैंने वेज कंस्टेंट से, मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले वेज कंस्टेंट ही यूज करूंगा, समझे ना। देखो कैसे, मजा आएगा बाप, अच्छा लगेगा देखना। सर ये होने के बाद वो पिछला लिखने के लिए टाइम दूंगा। हाँ अभी लिख, आराम से लिखना, मैं टाइम दूंगा प्रॉपर, ठीक है। देखो ये कैपिटल एम, बस इतना बता दूं पहले जल्दी से। हाँ सर इतना बता दूं। फिर बिल्कुल 100% टाइम दूंगा मैं, आराम से नोट करना, जल्दी नहीं है मुझे। देखो ये स्मॉल एम, अब थोड़ा ध्यान दो, आपको एक बात तो सबको पता है कि इस वेज का एक्सेलेरेशन कहीं भी नहीं हो सकता, सिर्फ यहाँ हो सकता है। अब यहीं पे ए के पहले ही ए को रिजोल्व कर लो, ये थी दिस इज ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। मुझे यही पता चल गया क्या कि इस ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ए साइन थीटा क्या होगा, ए साइन थीटा होगा या नहीं, समझ में आया। हाँ देखना इसका एक्सेलरेशन मैं लिख रहा हूं यहां पे, इसको ए, अच्छा अब देखो एक्स और वाई सुनो कितना बढ़िया है, देखना मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये y और ये x, मैंने इसको y वाला एक्सेलेरेशन तो मुझे कंफर्म पहले ही पता ही चल गया यार, ये y बराबर a sin theta, a sin theta, प्रॉब्लम बस ax की रह गई। हाँ अब इसको मैं एक ए दो लाइन में खत्म कर दूंगा पूरा, देखो ध्यान से कैसे। सबसे पहले इस वेज की तो टेंशन ही नहीं लेनी यार, n sin theta बराबर कैपिटल एम इनटू ए का, और कुछ बना भी नहीं पाओगे तुम, वर्टिकल में वेज का बनाने से कोई फायदा है क्या, नहीं। हॉरिजॉन्टल में बना दिया, इस पे वेज पे क्या लगता है, यहाँ पे ये ब्लॉक क्या लगाता है, नॉर्मल, उसका एक कंपोनेंट थीटा वो इसको ये वाला एक्सेलेरेशन देता है ना। हाँ साइन थीटा बराबर एम इनटू ए, खत्म वेज, वेज यहीं पे खत्म। अब आ जाओ ब्लॉक पे, अब तुम बताओ अब क्या करना चाहिए, अब मुझे प्रॉपरली वेज ब्लॉक का एफवीडी बनाना चाहिए। चलो देखते हैं सभी लोग, देखो ये थीटा, ये मुझे सिर्फ ब्लॉक से मतलब है, वेज तो खत्म हो गया, इस पे क्या लगेगा नीचे MG. और यहां क्या लगेगा नॉर्मल। कैन एनीवन टेल मी कि मुझे किसका रिजोल्यूशन करना चाहिए, MG का अब कितना सरल हो गया, देख रहे हो MG का रेजोल्यूशन करना चाहिए, नॉर्मल को बिल्कुल रिजोल्व करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल यहाँ देखो MG के तो डायरेक्ट कॉम्पोनेंट ही बना लो ना, MG के सबको पता तो साइन थीटा, देखते जाना अभी। चलो वेज की ब्लॉक की एक एक्सेलरेशन तो मैं ये पता है, अच्छा और कोई फोर्स है क्या इस पे, नहीं नहीं। तो मैं ए वाई के लिए बनाता हूं, तो फॉर ब्लॉक इन वाई डायरेक्शन, चलो भाई बोलो, एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा बराबर ये ना एम इनटू बराबर एम इनटू ए साइन थीटा सेकंड इक्वेशन, चलो इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो x और y मैंने बदल लिए हैं, ये ध्यान रखना है। हाँ x डायरेक्शन बोलो, mg sin theta is equal to mx,
सही है हाँ। तुम्हें यार यहीं पे ax नहीं पता चल गया? पता चल गया हाँ। है ना जी साइन थीटा ऊपर से फिर ay पता चल गया क्या ay भी पता चल गया और ay वहां से पता चल जाएगा कहां से यहां से पहले से ही पता है ना सर ay से a ay पहले से पता है ना a साइन थीटा तो a पता, पता है नहीं, नहीं ये कैपिटल ही पता है क्या तुम्हें नहीं फिर समझ में आई बात के नहीं पहले ये बताओ हाँ समझ गया सर पक्का बिल्कुल पक्का सर ठीक है अब जरा एक काम करो देखो आप तुम्हें ये डिटेल में पूरा टाइम लगेगा और लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करो कैसे करोगे जरा बताओ ना यहाँ पे सर थर्ड की जरूरत नहीं ना वन और टू में दो इक्वेशन दो वेरिएबल है एन साइन थीटा बराबर एम इन टू ए और यहाँ पे हाँ ठीक है कर सकते हो बिल्कुल लेकिन फाइनली इसका जब एक्सेलेशन निकालोगे नेट तो अंडर रूट ए एक्स पहले यहाँ पे लिख देता हूं मैं ए एक्स बराबर क्या है जी साइन थीटा ठीक है समझे और यस सर चलो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन और इससे इससे तुम किसका ए वाई का और कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लो ठीक तो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ क्या आएगा तो नहीं पहले बाद में सॉल्व कर लेना पहले इसको नोट कर लो पहले सर ठीक है कहां से करना है वो क्वेश्चन जहां पे लिखा था तो आपने यहाँ ये इससे से तुम लोग प्रॉपरली नोट करो पहले अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ कि पूरा आपको सॉल्व करना है अभी मुझे आंसर चाहिए Yes, right, okay. लिख लो आराम से Yeah, that's fine.
काम कर गई सामने गई अभी तो नटा दो लिख गया यस सर हाँ सर नेक्स्ट स्लाइड हाँ सर हो गया इतना लिखो इतना इसको लिखने के बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दो इसी को पहले अगला वाला जो है ना वो बाद में लिखना पहले इन पांचों इक्वेशन से सॉल्व करके ये सिर्फ इतना निकाल लो बस कैपिटल ए निकाल लो अच्छा बस ठीक है एक ही वैल्यू निकाल लो उससे वेरीफाई हो जाएगा कैपिटल ए अकेला निकाल लो mg sin थीटा cos थीटा / m + m sin √ थीटा आते हैं एक मिनट फिर से बोलो mg sin थीटा cos थीटा छोटा बड़ा बड़ा वाला है mg sin थीटा नहीं इधर छोटा वाला है हाँ बोलो mg sin theta cos theta upon m plus m sin square theta बड़ा वाला m plus छोटा वाला m sin square theta अब दूसरे वाले मेथड से निकालो जो अगला वाला है ना उससे निकालो सर mg cos theta sin theta upon m into 1 plus sin square theta इनका तो ये आ रहा है भैया और लोग वेरीफाई करो ये किसने भेजा है अवनी अवनी आर यू लिसनिंग टू मी यस सर मुझे इसमें गलती लग रही है तुम्हारा जो कैपिटल ए आया है मुझे उसी में गलती लग रही है भैया एक बार वेरीफाई जल्दी से कर लो एक बार सब लोग फिर टाइम लगेगा नहीं ये देखो यही आ रहा है हाँ सर वही वही तुमने गलत किया था मतलब है मैंने m से मल्टीप्लाई नहीं किया 1 plus sin square theta हाँ चलो ठीक है तो दिस इज करेक्ट ना हाँ ओके अब दूसरा ये लिख गया इतना पूरा आगे बढ़ाएं अच्छा ये किसने बताया था ये वाला सॉल्व करके मैंने बताया था पार्थ हाँ
पार्थ, इसका तुमने अच्छे से कैलकुलेशन किया है क्या? हाँ। राइटिंग आइटिंग सही लिखी है सब? हाँ। तो भेज दो यार ग्रुप में, भेज दो जरा इसको। मैंने दूसरे वाले मेथड से किया था लेकिन। नहीं दूसरे से नहीं करना था ना, इससे सॉल्व करना था। मैं दूसरा वाला स्टार्ट कर दिया था इसके वे पूरा नहीं। हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, तो ये वाला आंसर दूसरे इससे आ रहा है ना, इससे एमजी को रिजॉल्व करके आया था मेरा। हाँ इससे। हाँ इस वाले से आ रहा है ये वाला आंसर। चलो ठीक है, अब तुम इससे करो ये वाला जो मैंने बताया था, इसको सॉल्व करके ये देखो यही आ रहा है कि नहीं। एक मिनट से, मैं कुछ नहीं जानता, सबको दोनों मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्व करके बताओ, ये तुम्हारा काम है, मैं तो बैठूंगा, मैं वेट करूंगा तुम्हारे आंसर का। ओके सर, हम करते हैं। तुम्हें करना ही है क्योंकि मैं कर भी दूंगा, मैं तो दो मिनट में कर दूंगा अभी यार, लेकिन करना किसको पड़ेगा फाइनली तुम्हें, इसलिए करो। नहीं हो रहा सॉल्व? हो रहा है सर, दो मिनट। फिफ्थ में डालना है सब वैल्यू, सब समझे, 1 2 3 4 हाँ। से वैल्यू उठा के यहाँ पुट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, उन चारों से एक्स ए वाई को उठा लिया, एक्स को उठा लिया और इसमें पुट करो फिफ्थ में, तब आएगा आंसर। सर वो पहली मेथड कौन सी थी फिर, ए निकालने के लिए? क्या ये यही के लिए वो दूसरी थी? ये है पहली दिख रही है, एक तो वो इक्वेशन वाली थी और वो दूसरी पूछ रहा था। अरे तुम इसको सॉल्व करो ना, ये वाला जो मैंने ये लिखा है। हाँ मैं बताऊं क्या सॉल्व करके एक बार? अरे आ गया, ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है ठीक है।
ये बिल्कुल, ये आंसर बिल्कुल सही है। तेरे पहले वाले मेथड से नहीं हो रहा सर, ऑलमोस्ट आखिरी स्टेप तक आ गया हूँ। मनीष हर्षाली ये आ गया भैया आंसर, देखो ग्रुप में। हर्षाली आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर। वेरी गुड बेटा, थैंक यू सर, इट्स टू गुड, टू गुड। चलो तुमने फर्स्ट मेथड से ही सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया। अच्छा इससे भी कर लिया क्या, इस वाले से? नहीं सर अभी कर रही हूँ। कर लो, इससे तो पहले ही उसने कर, एक लोगों ने कर लिया है, तो चलो तुम भी कर लो। ग्रुप में आ गया है देख लो, किसी को देखना हो तो। और मैं ये कौन सा है, B1? हाँ B1 ही। आ गया सर मेरा भी, मतलब दोनों मेथड हमारे करेक्ट हैं, ठीक? हाँ सर आ गया मेरा भी, ठीक है। अच्छा देखो इसमें, देखो ये मेथड थोड़ा इजी नहीं हो गया? हाँ वो इजी है ना, ये अदर मेथड ये इजी हो गया क्योंकि इसमें बैच कंस्ट्रक्ट हमने पहले ही से यूज कर लिया है ना। अच्छा मैंने अभी एक बात बोली थी कि यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट यूजिंग वेज कंस्ट्रेंट, ये बात सही है, हमें वेज कंस्ट्रेंट कंपलसरी यूज करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं तो फिर वो पांचवी क्वेश्चन आएगी नहीं ना। इक्वेशन ऐसा नहीं है, हम बिना वेज कंस्ट्रेंट के भी इसको सॉल्व करते, लेकिन उसके लिए वेरिएबल जाता है इक्वेशंस में। नहीं उसके लिए हमें ग्राउंड फ्रेम से नहीं पढ़ सकते हम। अगर तुम सोचो कि हम ग्राउंड फ्रेम से इसको स्टडी करके और बिना वेज कंस्ट्रेंट के सॉल्व कर दें तो नहीं हो पाएगा। आपको इसकी पूरी सिस्टम की मोशन की स्टडी करने वाला फ्रेम बदलना पड़ेगा, समझ गए? फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ वही उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर हमने फ्रेम बदल दिया तो हम बिना सूडो फोर्स का यूज किए भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप ये वाली बातें आप लोग सब लोग समझ गए होंगे पूरी, है ना? Yes. तो मैं एक क्वेश्चन दूं आपको फिर। Yes, sir. Actually, मैं सर पहले का लिखना थोड़ा लिखो 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 लिख लो जिसको ये अदर मेथड लिख लो, फिर मैं ये क्वेश्चन देता हूं आपको वेज कंस्टेंट का ही, देखते हैं कितने लोग उसको कर।
हो गया सर लिख के। हो गया सर, सबका लग गया ये। हाँ ठीक है, बस एक सेकेंड। सर आपने क्वेश्चन भेजा है क्या ग्रुप पे? हाँ चलो, हमने एक क्वेश्चन भेजा ग्रुप में, आपको वही करो। वो स्फीयर और वेज वाला, ठीक है? हाँ करो, सब लोग इसका सॉल्व करके आंसर भेजो उसका।
हाँ भाई बताऊं क्या? आ गया सर। रुको सर तुम। सर वेज का एम जी अपॉन एम टेन थीटा प्लस एम कॉट थीटा और स्पीयर का एम जी टेन थीटा सही है और स्पीयर में उसको टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दी। बिल्कुल सही। चलो भाई मैं बताऊं इसको जल्दी से फटाफट एक बार। हाँ सर हो गया। तो ना बताऊं? मेरा हो गया सर। नहीं वैसे कोई बच्चे कुछ चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं इसको? हाँ सर। हाँ सर देखो मैं कर देता हूँ। हाँ सर सभी क्वेश्चंस बाकी सॉल्व करूंगा। देखो पहले ये सुनो, ध्यान से सुनो, ये कितना सरल है। पहले ये देखो क्या करना है। अभी कोई बच्ची बोली थी एक, क्या नाम है उसका? हाँ सर बोला था। बताओ सर नाम बोलो। यस सर नाम बताओ। चलो तुम बताओ क्या करें हम। भक्ति सबसे पहले सर वेज के लिए पहले देखते हैं। चलो पहले ये बताओ वेज का नेट एक्सेलेरेशन कहाँ होगा, क्या लगता है तुम्हें? सर उसे रेस्ट से रिलीज किया मतलब स्फीयर को रिलीज किया क्या? हाँ हाँ पूरे सिस्टम को ही रिलीज किया हुआ है। रिलीज किया ऐसे पकड़े थे छोड़ दिया तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएंगे ना सब में। हाँ तो इसमें एक्सेलेरेशन कहाँ आएगा? लेफ्ट। ठीक है कैपिटल ए। अच्छा इसका इसका बताओ कितना होगा, इसको कहाँ होगा? कहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड सर, सीधा नीचे आएगा ये। क्योंकि क्योंकि वेज कंस्ट्रेंट लगाओ। देखो एक कंस्ट्रेंट यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। अब बताओ इस स्फीयर का यहाँ दीवार से कांटेक्ट खत्म तो नहीं होगा ना? होगा। तो फिर अगर यहाँ कॉन्टेक्ट खत्म नहीं होना है तो ये कहाँ आएगा फिर? सेंटर, सीधा नीचे गिरेगा ऐसे। हाँ सर। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ होगा और इसका एक्सेलरेशन कहाँ होगा? सीधा डाउनवर्ड। समझ गए। अब कंस्टेंट लगाओ। तो देखो मैंने क्या बोला था, कंस्टेंट क्या होता है? कॉन्टेक्ट सरफेस ये है ना? यस सर। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका क्या आया था याद है? A साइन थीटा। देखो वेज कंस्ट्रेंट बराबर इसका A साइन थीटा और इसका देखो ये A है, तो A का ये वाला कॉम्पोनेंट है ना कॉस थीटा होता है। ये क्या होता है? A कॉस थीटा। ये A का A कॉस थीटा। A कॉस थीटा कैसे आएगा? अरे यार mg के हिसाब से सोच लो ना। स्मॉल a बराबर क्या आएगा? देखो ये समझ में आया? अब बहुत सीधा सीधा क्या करना है, सबसे पहले फोर्स लगा दो सारे। तो इस पे नीचे लगेगा क्या? स्मॉल mg mg। इस पे तो मैं याद है ना मैंने बोला था नॉर्मल का सिर्फ एक कंपोनेंट n sin theta, n cos theta और mg सब बेकार हैं इसके, हैं कि नहीं है बताओ? बेकार। एन कॉस थीटा लिख दे रहे तुम लोग बोल रहे, तो वैसे हम लिखते भी नहीं पता। ये क्या होता? ये एन है, कंपोनेंट यहाँ आएगा कितना? एन कॉस थीटा। तभी तो ये, अगर मैं पूरे सिस्टम पे देखूं तो नॉर्मल कैंसिल होगा, तभी होगा कैसे? नॉर्मल का कंपोनेंट एन कॉस थीटा इसके एन कॉस थीटा का उल्टा हो और एन साइन थीटा देखो इस पे यहाँ आएगा। चलो इसकी इक्वेशन बोलो जल्दी से। नहीं पहले इस ब्लॉक की वेज की इक्वेशन बोलो। n sin थीटा बराबर कैपिटल m * कैपिटल a सेकंड इक्वेशन। बस एक इक्वेशन और चाहिए, बस खत्म। चलो इसका बोलो mg प्लस। अच्छा यहां से देखो, यहां से एक नॉर्मल ही लगेगा। हां वो उसका कंपोनेंट उसको n1 तो वो n1 तो ये n sin थीटा को बैलेंस कर देगा, वो कुछ काम करेगा। n1 बराबर n sin थीटा बोलो, हो जाएगा कि नहीं? हां चलो इसका एक और इक्वेशन बनाओ नीचे की तरफ, क्या बनेगा? mg माइनस एन कॉस थीटा
एम जी माइनस एन कॉस थीटा बराबर स्मॉल एम इंटू ए छोटा एम इंटू थीटा, इन्हें सॉल्व कर दो खत्म क्वेश्चन रहेगा समझे। देखो यहां से ये कैपिटल ए को यहां रख देना, यहां कैपिटल ए बराबर ए कॉस थीटा यहां डाल देना ठीक है, और फिर निकाल के यहां डाल देना तो स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी बस खत्म। बोलो भाई और सॉल्व कर दूं इसको आगे पूरा या नहीं कर लेंगे, जिसने सॉल्व किया है वो ग्रुप में भेज देना पार्थ ठीक है। भेजू क्या सर? भेज दो ये नोट कर लो जल्दी से। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और चैलेंज है क्वेश्चन में, ये चैलेंज है तुम लोगों के लिए। दो मिनट रुको सर। देखो देखो ये दो बैच हैं ठीक है, और इनके बीच में यहां पे मैंने एक स्फीयर डाल दिया ऐसे ठीक। अब वो कह रहा है सिलेंडर है, सिलेंडर या स्फीयर कुछ भी मान लिया, इस वाले वैज को मैं यहां खींच रहा हूं 2u है, ये क्या है 2u पर सेकंड से, इस वाले वेज को मैं यहां खींच रहा हूं u मीटर पर सेकंड से, u वेलोसिटी है, इसका 2u इसका u, ये एंगल 30-30 है, कह रहा है बताओ इस सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी है। तो जैसे अभी तुमने बनाया था एक्सेलरेशन का कांस्टेंट, वही वेज का कांस्टेंट, वही वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है, निकालो। सर वो पिछले साइड लो ना, पिछला लिखना था थ्री रूट थ्री बाय टू। गलत है सर, हमें क्या फाइंड करना था ये नोट कर लो पहले फिर बता रहे, हो गया नोट? हाँ सर। इसकी वेलोसिटी दी गई, इसकी वेलोसिटी दी गई, कह रहा है इसकी वेलोसिटी बताओ। मास भी कुछ नहीं दिया क्या सर? जरूरत भी नहीं सॉरी आदि का सर, 3√3 - 2u ब्रैकेट में √52/4u नहीं, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो सॉल्व।
सर यू रूट सेवन सही है। किसने बताया ये? सर वेदांत जी मुझे। चलो बाकी लोग कर चुके ट्राई? कर रहे सर। नहीं सर करो 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 करो, टाइम है तुम्हारे पास, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करो। हाँ सर। सर यू बाय टू रूट सेवेंटीन है क्या? नहीं बेटा, बताया तो उसने यू इंटू अंडर रूट सेवन, ये आंसर। यस सर रूट सेवन यू आ गया। आ गया? यस सर। हाय सर यू रूट सेवन आ गया। ओके सॉल्व मैं करके बताऊं? Yes, sir. तो देखो yes, देखो कैसे करना है। चलो इसको ये ए है और ये बी है, ठीक। अब वो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी बता दो, मुझे पता ही नहीं है कहाँ होगी इसकी वेलोसिटी, है कि नहीं? मान लेते हैं कुछ, मान ले ऐसे ही, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाएगा, तो मैं मान लेता हूं कि यहां होगा इसका वी एक्स, मान ले। हाँ, हाँ। और नीचे होगा इसका vy, ठीक है। आप लगा दो वेज कंस्ट्रेंट, तो वेज कंस्ट्रेंट पहले a के लिए लगाते हैं, ठीक। वेज कंस्ट्रेंट फॉर a एंड सिलेंडर, a एंड सिलेंडर। चलो लगा भैया इसके लिए, तो कॉन्टैक्ट सरफेस कहाँ है? ये है। इसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी बताओ। यू बाय टू। यू का कौन सा कंपोनेंट पर? यू, जैसे ए बनाते थे वैसे ही अब यू आ गया, तो यू साइन थर्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू साइन थर्टी, ठीक है। तो इसके लिए यू साइन थर्टी हो गया इसका, और इसकी वेलोसिटी का नेट तो बनाना पड़ेगा। वो तो यार देखो ऐसे ऐसे ऐसे, बोलो भाई। तो vy का भी एक कंपोनेंट आएगा देखो यहाँ, और vx का एक आएगा यहाँ। समझ में आ रही बात? अब तो मैं सबको देखो, ये एंगल एंगल का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए सबको। मैंने क्या बोला था कैसे निकालते हैं? अब तुम देखो ये vy है, तो ये mg समझ लो ना, mg है,
हाँ ये कंपोनेंट क्या होता था कॉस कॉस ही आएगा, या आप एंगल बना के देखो, ज्योमेट्री भी तो पता होनी चाहिए, नहीं पता चले एंगल ही ढूंढ पा रहे। ये 30 डिग्री है, ये कितना होगा 90 कितना होगा 60 तो फिर ये क्या होगा 60 और ये क्या है 90 क्या आ गया 30 VY root 3/2 VY cos 30 हाँ भाई या तो फिर सुनो पहले VY cos 30 और ये VX का यहाँ आएगा हाँ हाँ बोलो क्या आएगा ये 30 है ये 90 है तो ये 60 बचा VX का VX cos 60 माइनस VX cos 60 पहले समझो इसको इसका एक कंपोनेंट यहाँ और इसका एक कंपोनेंट यहाँ तो इसका सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट क्या आएगा BY cos 30 माइनस BX cos 60 तो एक इक्वेशन बन गई है कि नहीं ऐसा ही अब इसके लिए बनाओ देखो अब इसके लिए ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये बहुत सरल है BY का आएगा अरे बोलो वाई का इस तरफ तो कॉम्पोनेंट नहीं अब इसके लिए देख रहे हैं बी और सिलेंडर के लिए बी एंड सिलेंडर दोनों जगह पे लगना चाहिए ना बच कंस्टेंट तो इसका बी तो यहाँ कॉम्पोनेंट नहीं आएगा सीधा वी एक्स बराबर क्या हो जाएगा ये टू यू कर दो टू यू का वही कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस क्या आएगा VX बराबर 2U ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई VX को यहाँ डाल दो इन फर्स्ट डालो फर्स्ट इक्वेशन साइन 30 क्या होता है U/2 U/2 कितना है वो निकालना है फिर ठंडी हो जाए तो गर्म U/2 बराबर VY और ये हो जाएगा √3/2 और क्या है माइनस VX कितना था 2U cos 60 क्या होता है 1/2 तो देखो ये बच जाएगा BY √3/2 बराबर इसको इधर लेके आओ 3/2 को इधर लेके आओ three by two है ना हाँ गया तो BY बराबर क्या आ गया √3 into U सही है बेटा हाँ बी एक्स आ गया 2U और बी वाई आ गया √3U तो बी बराबर इसकी नेट वेलोसिटी तो यहाँ कहीं होगी ना √3U का स्क्वायर देखो क्या आ गया √7 समझ गए कि नहीं सब लोग हाँ सर सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि वो पहले वेज के अलांग यू बाई टू है और दूसरे वेज के अलांग टू है तो उनका रिजल्ट 120 डिग्री एंगल पे निकाल के वो नहीं कर सकते सर वही किया था क्योंकि वेलोसिटी का एक बार फिर से बोलना वो पहले वाले वेज से यू बाई टू जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और दूसरे वाले वेज से टू यू जा रहा है तो उन दोनों का रिजल्ट लेके हम वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते क्या नहीं ये यू है सर नहीं तो यू को रेस्ट में कर सकते हैं और यू की वेलोसिटी वापस देंगे क्योंकि आप ही वेलोसिटी तो ऐसा बोलो ना अब ऐसे बोलो तो ये वाला कि इसके अगर तुम इसको रेस्ट में कर दो किसी एक को रेस्ट में करके बोल रहे हो ना तुम नहीं सर मतलब वो ए वेज के परपेंडिकुलर मतलब इंग्लैंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू बाई टू से जा रहा है और दूसरे वाले से टू यू जा रहा है तो उन दोनों का रिजल्ट निकाल के हम नेट वेलोसिटी नहीं फाइंड कर सकते क्या यार ऐसे कैसे कर दोगे तुम ये तो गलत है ना सरफेस के नॉर्मल नेट वेलोसिटी होती है देखो तुमने क्या अब तुमने देखो क्या माना है समझो मैं बता रहा हूं तुम्हारी गलती क्या है तुम क्या कह रहे हो इस U का यहाँ पे एक कंपोनेंट U/2 है ना
वो इसकी वेलोसिटी मान लोगे तुम, है ना? नहीं मतलब सर वो उधर टू जा रहा है और उधर टू यू जा रहा है, कंस्ट्रेंट सही है ना, इसलिए क्या कर रहा हूँ सुनो तो पहले, मैं बोल तो रहा हूँ बता तो रहा हूँ सुनो पहले। सबसे पहले तुमने बोला कि इसके सेंटर की जो ये वाली वेलोसिटी, देखो क्या बोल रहे हो तुम, ये सेंटर की ये वाली वेलोसिटी यू वाई इसका यू वाई टू के बराबर होगी, ठीक। तो दूसरा कॉम्पोनेंट कहाँ है उसका? दूसरे वाले बैच का कोई मतलब ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो इसकी नेट वेलोसिटी का एक कॉम्पोनेंट यू वाई टू के बराबर होगा, यही तो बोल रहे हो इसके परपेंडिकुलर वाले के बराबर। तो नेट वेलोसिटी कहाँ है, नेट वेलोसिटी कहाँ होगी इस टाइम पे? तुम्हें ये अभी ये थोड़ी ना बोल दोगे कि तुम के तुमने बोला कि एक कंपोनेंट यहां है, सुनो सेंट सी का नेट वेलोसिटी का एक कंपोनेंट यहां है, यही तो बोल रहे हो तुम, और वो इसके ये वाले कंपोनेंट के बराबर है, यही बोल रहे हो ना? तो तुम ये बताओ दूसरा कॉम्पोनेंट कहाँ है उसका नेट वेलोसिटी का, क्या ये होगा? 90 डिग्री पे। तो फिर तुम तो इसको और इसको रिजल्टेंट बना के नेट वेलोसिटी निकाल रहे हो, गलत है ना? हाँ सर गलत है। समझ में आई बात क्या गलत है? हाँ सर। हाँ सर आप एक मिनट लेट मी फिनिश फर्स्ट। आप क्या नहीं आप क्या कर रहे थे, आप क्या बोल रहे हो कि एक ये कंपोनेंट है और ये यही गलत हो गया, ये कॉम्पोनेंट है कहाँ? नहीं ये इसीलिए यही तो प्रॉब्लम है, यही तो इसीलिए तो मुझे पता है क्या करना पड़ा, एक कंपोनेंट यहां मानना पड़ा, एक कंपोनेंट यहां मानना पड़ा। मैं नेट भी तो मान सकता था कहीं, मैं yes, sir. यहां पे नेट वेलोसिटी है, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाती कहां कहां कंपोनेंट्स करते फिर हम, इसलिए मैंने एक वाई में माना एक एक्स में माना। हाँ फिर रिलेटिव लेके क्या थे? रिलेटिव yes, रिलेटिव से मैं कर दूं और भी सरल हो जाएगा सर, मैंने किया रिलेटिव से वो दो तीन स्टेप में आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। देखो मैं तुम्हें हर तरीका बताता हूँ सिंपल, तुम देखते हो एक सिंपलेस्ट भी बताता हूँ और टफेस्ट भी बताता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें चीजें फील होना बहुत जरूरी है। अब देखो ये तुमने पार्थ ने यहाँ पे गलती की, चलो उसको एक गलती समझ में तो आई कि हाँ ये मेरी गलती यहाँ पे हो सकती है। अब मान लो तुम्हें ये ना बताते हम ये वाला मेथड, तो तुम क्या करते फाइनल उसमें अटेम्प्ट में कहीं कुछ गलती कर सकते थे फाइनल एग्जाम। इस yes, हर चीज से गो थ्रू होना चाहता हूं। अब देखो एक लाइन में कर दूंगा इस क्वेश्चन को मैं, एक ही लाइन में। पहले तो सब लोग एक लाइन तो ठीक है, पहले इसको नोट करो सही से, फिर हम इसका दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक? ओके सर। सर मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप पे। हाँ अभी हाल देख रहे हैं बेटा, दो एक मिनट। सर वो कंपोनेंट क्यों नहीं आएगा ये आप और एक बार बता सकते? ग्रुप में कहाँ भेजा तुमने? हमें भेज दिया है। यस सर। क्या भेजना है सर? V बराबर 3U 10:30। ये कैसे डायरेक्ट कर दिया तुमने V बराबर 3U 10:30? सर वो तो वेज कंस्टेंट है ना, मतलब तो अगर डायरेक्ट लिख दिया ना तुमने, V का एक कंपोनेंट आएगा ना V cos 30 बराबर 3U sin 30। नो सर, मतलब वो साइन को उस साइड लेके गए तो फिर वो टैन हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ, तुमने डायरेक्ट लिख दिया ना। दिव्यांश yes, मैं तुम्हारा यस सर। बहुत बढ़िया किया है। हाँ भाई कोई कुछ पूछ रहा था अभी बीच में सर, उसको लगा कुछ भेजना है तो वो पूछ रहा था क्या अभी। हाँ चलो मैं अब आगे बताऊं इसका सॉल्व करता हूँ कैसे करना है। हाँ ये वाला मेथड समझ गए?
अब देखो देखो एक लाइन में खत्म कर देते हैं भैया। देखो ये अपना सिलेंडर, ये कितना जा रहा था यू से और ये टू यू से। चलो अच्छा इसको रेस्ट में कर दें। चलो इसको सर लेफ्ट वाले को कर लेते हैं, वो इजी जाएगा। हाँ मतलब वो छोटा है, किसी को भी कर लो यार, उसमें क्या समस्या है। नहीं मैं इसी को कर रहा हूँ। चलो देखो अच्छा इसी से देखो कर तुम, ठीक है। हाँ सर ठीक है। इसको क्या, ये क्या था, ये ए और ये बी। चलो विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब मैं पूरा स्टडी किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, बी के रिस्पेक्ट में। बी के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब है बी एट रेस्ट हो गया। यस सर बी एट रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू इंपोज वेलोसिटीज। हाँ सोचो तुमने इसको रेस्ट में कर दिया तो ये तुम्हें कहाँ जाता हुआ दिखेगा। अब इस ये रेस्ट में कर दिया तो इसके पास देखो एक वेलोसिटी तो यहाँ होगी, 2u आ जाएगी उसके पास। इंपोज करो ना, एक तो ये 2u लगाओगे है ना। अब बताओ तुम इसको रेस्ट में कर दिया तो ये कहां जाता हुआ दिखेगा, लेफ्ट में नीचे रिस्पेक्ट में नीचे दिखेगा ना जाता हुआ। हाँ नीचे दिखेगा, वो से चिपका हुआ होगा बी से। हाँ बी से तो चिपका ही रहेगा, समझे कि नहीं। हाँ सर समझ गए। इसके रिस्पेक्ट में ये कांटेक्ट तो कहीं लूज होना ही नहीं है। यस सर। तो यहाँ तो ये कांटेक्ट में रहेगा ही, समझ रहे हो ना। कांटेक्ट में यहाँ रहेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में कुछ नहीं चलेगा और नीचे इसके बी के रिस्पेक्ट में ये सीधा नीचे जाएगा। देखो ना यहाँ कॉन्टेक्ट रखेंगे उसको तो फिर इसके रिस्पेक्ट में कहाँ जाएगा, सीधा नीचे जाएगा। उसको मान लेते हैं क्या, बी वाई मान लेते हैं। तो ये बी वाई हो गया। अब देखो लगा दो बैच कंस्टेंट, तो बी वाई का ये कंपोनेंट क्या होगा, बी वाई कॉस 30 बराबर यू का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यू का भी कंपोनेंट आएगा ना। हाँ Vy cos 30 बराबर u sin, अच्छा हाँ 2y भी तो है, 2u u आएगा वहां पे, 2u cos 60 u प्लस वो चीज Vy का cos 30 प्लस 2u का ये वाला कंपोनेंट cos 60 2u टू यू कॉस 60। हाँ ठीक है 2u cos 60। ओके बेटा देखो टू का ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट और वीवाई का ये परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट किसके, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, समझ गए बराबर। अब इसका देखो तो इसका भी यू यू साइन 30 सर, उसका 3u सही है ना, u sin 30 सॉरी ऐड करना है ना उसमें फिर। सॉरी बेटा ये 2u इसमें ऐड नहीं किया अभी हमने, क्या आएगा ये 3u आएगा। ओके अब देखो तो ये इक्वेशन सॉल्व करो इसको। सर वो बॉल का भी तो 2u कैंसिल हो जाना रहेगा ना, क्योंकि वो ग्राउंड फ्रेम में 2u से चलेगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं है ना फिर कुछ, डायरेक्ट डाउनवर्ड से नहीं। हाँ यार ये 2u मैं क्यों लिख रहा हूँ, 2u मत इंपोज करो, सॉरी सॉरी। हाँ अरे इसके रिस्पेक्ट में तो ये कॉन्टेक्ट में रहना है ना। हाँ कांटेक्ट में रहेगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ रेस्ट में है, इस डायरेक्शन में रेस्ट में है, ये नहीं आएगा। हाँ नहीं आई समझ में बात, फिर से बताएं एक बार इसको। हाँ देखो फिर से एक बार सुनो, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके रिस्पेक्ट मतलब आप यहाँ बैठे हो, ठीक है आप यहाँ पे बैठे हो तो ये कॉन्टेक्ट तो लूज नहीं होना है, तो बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये यहाँ जा सकता है क्या, नहीं सीधा नीचे जाएगा। तो इस जब हम विथ रिस्पेक्ट टू बी पढ़ रहे हैं तो फिर ये थोड़ी टू यू इम्पोज करना है हमें, समझे। चलो तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में सीधा नीचे जाएगा, मतलब कि वी वाई का सिर्फ ये कंपोनेंट और बराबर थ्री यू का
ये कॉम्पोनेंट, ये कॉम्पोनेंट परपेंडिकुलर डी वाई का बेटा कौन सा आता है, कॉस 30 ना, बराबर 3u का साइन 30, साइन 30 खत्म हो गया। देखो वी वाई बराबर हो गया, ये साइन 30 कितना था 1/2, ये रूट 3/2, तो ये हो जाएगा रूट 3u। ठीक है, तो वी वाई हो गया हमारा रूट 3u, समझ में आई बात? हाँ, अब समझो पहले ध्यान से, ये ग्राउंड फ्रेम से नहीं है, ठीक है, ये इसके बी के रिस्पेक्ट में है, ये तो वी वाई। अब देखो इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, समझना सब लोग, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर, बोलो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, समझे कि नहीं? हाँ, वेलोसिटी ऑफ सी निकालना है, अभी तो मैंने ये वी वाई जो है एक्चुअली में वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आया है अभी तो, है कि नहीं? हाँ, तो हमें ये चाहिए वी सी, तो वेलोसिटी ऑफ सी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, बराबर बोलो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और प्लस तरफ ले आओ वेलोसिटी ऑफ बी, समझ में कि नहीं? हाँ, मतलब पता है इस सी का आप देखो ग्राउंड फ्रेम से बना रहे हैं, तो ग्राउंड फ्रेम से इसकी वेलोसिटी जो वी सी है वो एक तो ये है वेलोसिटी वी वाई और एक बी वाई, ये हो गया देखो, है ना, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, बेटा समझ रहे हो? इसमें ये वेलोसिटी ऑफ बी और इम्पोज करो, मतलब ये टू यू और होगा इसके पास, ठीक, का रिजल्टेंट निकालो, दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सी, समझ गए? तो ये वेलोसिटी ऑफ सी, तो वेलोसिटी ऑफ सी बराबर क्या होगा, अंडर रूट बी वाई स्क्वायर, रूट थ्री यू का स्क्वायर और टू यू स्क्वायर प्लस थ्री यू स्क्वायर प्लस टू यू का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि ये हमें ज्यादा वैसा लग रहा है, तो ये रिलेटिव से वही आराम से कर सकते हैं जिन्हें फील होगा ये, नहीं तो उन्हें तो और ज्यादा दिक्कत होगी, फिर उनके लिए तो वही पहले वाला सही होगा, तो इसको सभी लोग पहले एक बार फील करो, अभी फील इट। हाँ सर, एक दो मिनट का टाइम दो अभी, और मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए, सबसे पहले मैं दो लोगों से पूछूंगा, ठीक है, अब वो नाम क्या है दोनों के वो मैं बाद में अभी बताऊंगा, पहले तुम लोग ये देखो, चलो तो वेज कंस्ट्रेंट के कुछ क्वेश्चंस मैं भेज देता हूं आज के असाइनमेंट के लिए तुम लोगों को, ठीक है? सर, यस सर, आज थोड़ा क्लास में कमी हो गई, लगभग 10 मिनट वेस्ट हो गए अपने, कोई नहीं, ओके फिर, यस सर, चलते हैं, इसको समझना तुम लोग, मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको वो सॉल्व करना, ठीक है, पीडीएफ अभी भेज दो। हाँ सर, बिल्कुल, ठीक है, चलो बाय बेटा, बाय सर।